दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ अनूप पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनोग्राफर 2023 के बारे में। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि अभी आपके एग्जाम चल रहे हैं और बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत प्रकार के डाउट है जो कि इस प्रकार हो सकते हैं कि सेफ स्कोर इसका क्या हो सकता है, इसके अलावा कितने मार्क्स पर हमको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनोग्राफर की पोस्ट है इसमें एग्जाम के बाद आपकी टाइपिंग होगी। तो बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत डाउट है कि हम कितने नंबर पर टाइपिंग देने जाएंगे, कितने नंबर पर हमारा सिलेक्शन होगा, इस प्रकार के कई सारे डाउट उनके मन में है। तो इसी के बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो देख के निकल जाते हैं। उससे क्या होता है कि जैसे कि मैं वीडियो बनाता हूँ, गवर्नमेंट जॉब अपडेट, उनकी वैकेंसी कब आएगी, एग्जाम डेट कब है, रिजल्ट कब आएगा, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, कट ऑफ, इन सब के बारे में वीडियो बनाता हूँ। तो जैसे कि मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगा, इसलिए आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर दबाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि सेफ स्कोर क्या हो सकता है। देखिए जब बच्चे एग्जाम देके आ रहे हैं बाहर तो उनसे पूछा जा रहा है कि आपका एग्जाम कैसा गया, आप कितने नंबर बना के आए, कितना आने की संभावना है, इस प्रकार के कई क्वेश्चन उनसे किए जाते हैं। तो बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे हैं कि पेपर हार्ड आ रहा है और हम कर नहीं पा रहे हैं, है ना, क्योंकि पेपर हार्ड है। तो सभी बच्चों के लिए ना हार्ड होगा, केवल आपके लिए बस हार्ड नहीं है, सभी के लिए वो हार्ड होगा, है ना। तो अगर पेपर हार्ड है तो कट ऑफ भी कम जाएगा, और कट ऑफ अगर कम जाएगा तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस रहेंगे अगर आप हार्ड पेपर में भी अच्छा करके आते हैं। तो अगर आप हार्ड पेपर में भी अगर अच्छा कर लेते हैं तो आपके पूरे चांसेस रहेंगे सिलेक्शन होने के, है ना। तो बात करते हैं कि सेफ स्कोर क्या हो सकता है। अगर हम बात करें यूआर कैटेगरी की, अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं और अगर आपका स्कोर, अगर हम बात करें 45 मार्क्स से ज्यादा है, 45 प्लस है, तो आपको टाइपिंग की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि मिनिमम इतने मार्क्स पे तो आपको टाइपिंग पे बुला ही लेंगे, है ना। और अगर कैटेगरी वाले की बात करें, चाहे एसटी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस, अगर आपका 40 प्लस है तो आप भी टाइपिंग के लिए जा रहे हैं। एसटी एससी वाले सर 35 से 38 के आसपास में भी टाइपिंग में जा सकते हैं एसटी एससी वाले, ठीक है। जो एसटी एससी वाले हैं वो 35 से 38 के आसपास उनकी टाइपिंग, उनको टाइपिंग के लिए बुलाया जा सकता है। और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आप 40 प्लस पे हैं तो भी आप टाइपिंग करने जाएंगे, क्योंकि यहां पर अधिक से अधिक बच्चों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। उसका कारण क्या है कि टाइपिंग में बहुत बच्चे फेल होते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए जब आप एग्जाम देके आते हैं तो आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा और आप टाइपिंग नहीं करते, क्योंकि आपके कम मार्क्स हैं इसलिए आप टाइपिंग नहीं करेंगे। और उससे क्या होगा कि आप टाइपिंग जब नहीं करेंगे और रिजल्ट आएगा और आपका सिलेक्शन वहां पर हो जाएगा, तब जब आप टाइपिंग करने जाएंगे तो समय बहुत कम रहेगा, जिससे आप अपनी टाइपिंग स्पीड को नहीं बढ़ा पाएंगे और आप टाइपिंग में फेल कर जाएंगे। इसीलिए क्या करते हैं कि मैक्सिमम बच्चों को बुलाया जाता है टाइपिंग करने के लिए, ठीक है ना। तो आप अगर सेफ स्कोर की बात करें तो यूआर कैटेगरी में 45 नंबर अगर आपके हैं तो आप टाइपिंग करने जा रहे हैं। इसके अलावा एससी एसटी वाले जो है 35 से 38 के बीच में टाइपिंग करने जाएंगे। इसके अलावा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले 40 मार्क्स अगर आपके हैं तो आप टाइपिंग करने जा सकते हैं। अब बात करें क्या करें, तो अगर आपका एग्जाम हो जा रहा है तो आप अभी से टाइपिंग में लग जाइए, ठीक है। अगर आप सोचेंगे कि रिजल्ट आने के बाद हम टाइपिंग करेंगे, तब देखिए आप भूल जाइए, क्योंकि रिजल्ट के बाद और टाइपिंग के बीच में समय बहुत कम मिलता है और आप उस समय टाइपिंग नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अगर आपका एग्जाम हो जाता है तो आप अभी से टाइपिंग में लग जाइए। अगर आपके इतने मार्क्स के आसपास आ रहे हैं तो आप अभी से टाइपिंग में लग जाइए, ताकि आप इसमें से एक सीट अपने लिए ले सकें। आशा करता हूं कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।